भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुने ना, सुने अधिरंजन भी बोले। नहीं नहीं मैं आपको ना कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं, चुनाव से डर कर आ, डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरसन कर रहा हूं। सुनिए ना, मैं मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद एक साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए सुनिए अभी सुनिए ना सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव